पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। सुल्तानपुर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में प्रचार को जुट गए हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी है या भाजपा के वार्ड संख्या 9 से प्रत्याशी नरेश नरुका युवा के पास चलते हैं। हम सीधे बातचीत करते हैं नमो न्यूज के माध्यम से, क्या कहना है उनका और किस तरह जनता में उनके प्रति उत्साह है। जय समिति सुल्तानपुर से वार्ड नंबर 9 से भाजपा का प्रत्याशी, भाजपा ने मेरे पर विश्वास जता के बनाया है और मैं भाजपा के इस विश्वास को इनके विश्वास के उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और इस बार इस पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 में सभी गांव इस इंतजार में बैठे हैं कि 12 तारीख कब आए और हम मतदान भाजपा के सपोर्ट में कितना कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, हमने पहले भी कई बार मुद्दे उठाए थे, आज पानी का, बिजली का, खाद्य सुरक्षा का और राज्य सरकार की जो नीतियां चल रही है उनके खिलाफ भी हमने मुद्दे उठाए थे। लेकिन एक बार पंचायत समिति में मैं कुछ मुद्दे को लेकर बोलने लगा तो वहां के अधिकारियों ने बोला कि आप जनप्रतिनिधि नहीं हो। लेकिन आज मैं इस चीज को कहता हूं कि मैंने जब गाँव में जाके बोला कि मेरे को ऐसी समस्या है तो गाँव वालों ने कहा आप हमारी समस्याओं को हमेशा तत्परता से लेते हो तो आपको क्यों ना हम जनप्रतिनिधि बना के पंचायत समिति में हमारी जन समस्याओं को उठाने में हम आपको भेजे। तो उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया और ये टिकट सब पंचायत वासियों के दम से आ पाया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस प्रकार से पंचायत वासियों ने वार्ड नंबर 9 के क्षेत्र वासियों के लोगों ने जिस प्रकार से मेरे पर विश्वास जताएंगे तो उन पर खरा उतरूंगा और प्रशासन और सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा और सुल्तानपुर से लेकर दिगोद, कोटा से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर दिल्ली तक सभी को मैं यहाँ के समस्याओं को अवगत कराऊंगा और जनता के फैसले में हमेशा तत्परता रखूंगा और जनता के लिए मैं रात के 12 बजे भी जनता पुकारी के मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। वार्ड संख्या 9 से महिला दावेदार यहां कांग्रेस के रूप में निकिता हाड़ा को उतारा गया है, जहां उनके प्रचार प्रसार को लेकर भी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। महिला सीट प्रदान की आरक्षित होने के चलते यहां निकिता हाड़ा इसी वार्ड से प्रदान की दावेदारी भी जता रही है। वार्ड संख्या में यहां नरेश नरुका के प्रति किस तरह का माहौल है और गाँव वासियों में किस तरह उनके प्रति उत्साह है, इसको लेकर आइए सीधे चलते हैं वार्ड संख्या 9 के ग्रामीणों के पास और जानते हैं वार्ड से भाजपा प्रत्याशी नरेश नरुका के प्रति गाँव के विचार। युवा नेता का जोश बरकरार है और हमारी पंचायत समिति वार्ड नंबर 9 से इतनी भाजपा के पक्ष में वोटिंग होगी जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। आज इस नेता ने, हमारा भाई है, इन्होंने किसानों की, गरीबों की इतनी समस्या उठाई है जिस कारण भाजपा ने इनको टिकट दिया है और हम चाहते हैं कि हमारा नेता इस पंचायत समिति सुल्तानपुर का एक स्टार बने और भाजपा का प्रत्याशी विजय बने। हमने नेता बहुत देखे हैं लेकिन हमारा जो नरेश नरुका है गांव का इसके साथ है, ये पंचायत समिति सुल्तानपुर में ऐसा काम करेगा जो आज दिन तक कोई भी नेता नहीं कर पाया होगा। हमारे गांव में स्थानीय व्यक्ति हैं और स्थानीय व्यक्ति होने के कारण हम गांव के विकास के लिए स्थानीय व्यक्ति को चुनना चाहेंगे और गांव की जो भी कमियां हैं उसको स्थानीय व्यक्ति जल्दी दूर करेगा, इसलिए हम गांव के स्थानीय व्यक्ति को ही वोट देंगे। दूसरी बात, हम पार्टी के साथ हैं, हमने हमेशा पार्टी की सेवा की है और हम पार्टी को ही वोट देंगे। हमारे गांव का पता होने के कारण हम गांव के ही वोट देंगे और संपूर्ण युग मंडल को बच्चों से और समझदार से, नेक नीति से, ईमानदार से और गरीबा के काम आवाड़ो से, दुख सुख में साथ दे वाला से, तो मैं तो नरेश जी नरुका का ही वोट देगा पूरे गांव। देखो नेता तो जो वहां सो है जो काम करिया भी न भी करिया, नेता तो नेता ही हो जे, लेकिन गांव को आदमी गांव में काम आओ जो पहला गांव को गांव ना जावा चा आलमा सुता चा काल आजियो परसू आजियो। एक नरेश जी ऐसो नई उपमंडल को बच्चों से इन्हें हाथ पकड़ भी मैं कहाँ भी ले जा सकता, सारो गांव ने पूरी मतलब पंचायती ग्राम पंचायती का हर गांव से परिचय से हर गांव के तय जान से और बढ़िया नेक नीति ईमानदार आदमी से।